want you to show me how to get to know someone like you. Hello guys, स्वागत है आप सबका SP Editing Tutorial YouTube चैनल पे। Guys, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी मोबाइल से खींची हुई पिक को बिल्कुल DSLR जैसा लुक दे सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप लोग पिक का बैकग्राउंड को बिल्कुल DSLR जैसा ब्लर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। और आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बाजू वाला घंटा है उसको भी ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना होगा और वहाँ से आप लोगों को फर्स्ट सर्च करना होगा, आप लोगों को सर्च करना होगा आफ्टर फोकस। ओके, तो बहुत सारे लोग जानते हैं ये एप्लीकेशन के बारे में, तो जिन लोगों को नहीं पता होगा उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये बढ़िया एप्लीकेशन है, आप लोग ज़रूर यूज करिए इस एप्लीकेशन को। और जिनके पास अभी DSLR नहीं है, मोबाइल से फ़ोटोशूट करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है ये एप्लीकेशन, आप लोग ज़रूर से यूज करिए इस एप्लीकेशन को। तो गाइस, चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे इस एप्लीकेशन में आप लोगों को एडिट करना है फ़ोटो को। तो सबसे पहले मेरे पास तो अभी फ़िलहाल इंस्टॉल हुआ है, तो मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए इस एप्लीकेशन को। तो मैं चलता हूँ अभी आफ्टर फोकस एप्लीकेशन पे। सबसे पहले आप लोगों को इस एल्बम टूल पे क्लिक करना होगा और गैलरी से अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना होगा जिस फ़ोटो को आपने एडिट करना चाहते हो। ठीक है, फिलहाल अभी मैं ये वाला फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ एडिट करने के लिए। अब हम सबसे पहले फास्ट वाला टूल का यूज करेंगे, ये जो फास्ट वाला टूल है इसका यूज करेंगे हम लोग, और सिंपली हम इस पिक के ऊपर एक वाइट बॉर्डर कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों को थर्ड वाला ऑप्शन पे जाना होगा और आप लोगों को बैकग्राउंड के ऊपर एक ब्लैक बॉर्डर ड्रॉ कर देना होगा। ये हो गया, अब आप लोग देख सकते हो ये जो रेड एरिया बाहर आ रहा है, तो सिंपली इसके लिए आप लोगों को फ़ोटो को जूम करना होगा और यहाँ से भी इसको ड्रॉ करके इसको कट कर देना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो चेहरे से ये रेड एरिया हट गया है, तो इसके लिए आप लोगों को फिर से फास्ट वाला टूल पे जाना होगा और चेहरे पे वाइट बॉर्डर कर देना होगा। तो गाइस, मैं जल्दी से इसको फटाफट से कर लेता हूँ, तब तक के लिए थोड़ा वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप लोग कर लीजिए अच्छे से। गाइस, अच्छी तरीके से ड्रॉ करने के बाद अब आप लोगों को ये जो आप लोग देख सकते हो ऊपर में जो नेक्स्ट का आइकन दिख रहा है, आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा। और गाइस, आप लोग देख सकते हो कि बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, तो आप लोग सिंपली इस ब्लर वाला ऑप्शन पे जाके आप लोग ब्लर को एडजस्ट कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से ज़्यादा या कम कर सकते हो। तो फिलहाल मैं थोड़ा पूरा फुल कर दूंगा इसको, ये फुल करने से पूरा अच्छा लग रहा है मेरे को, तो मैं फुल रखता हूँ। और आप लोग इस जो फेदर वाला ऑप्शन है सेकंड वाला, इसको थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया, अब आप लोग देख सकते हो जो बैकग्राउंड में थोड़ा बॉके इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हम जब DSLR से फोटोशूट करते हैं तो बैकग्राउंड में इफेक्ट आते हैं, एक वाइट सा एक राउंड सा इफेक्ट आता है, तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ एपरेचर पे क्लिक करना होगा सेकंड वाला ऑप्शन, और बोके पे जाके ये जो लास्ट वाला बोके ऑप्शन है इसको आप लोगों को बढ़ा देना है। तो हमारा फोटो में बोके इफेक्ट भी आ गया है,
तो पहले मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, पहले हमारा फोटो कुछ इस तरीके का था, आप लोग देख सकते हो पहले कुछ इस तरीके का था, अब हमारा फोटो बन के कुछ इस तरीके का हो गया। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो DSLR जैसा एडिटिंग। तो सिंपली आप लोगों को इस फोटो को सेव करने के लिए इस सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यस करके फोटो को गैलरी में सेव कर लेना है। ये फोटो गैलरी पे सेव हो गया। गाइस आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.